घर से बच्चियों के बार बार फोन आ रहे हैं, क्या उम्मीद दिलाऊं समझ नहीं आ रहा। दुआई कर सकते हैं और क्या हो सकता है। आप पेशेंट के कौन है? डॉक्टर साहब मैं इस बच्ची का बाप। आप जाके फॉर्मेलिटीज पूरी करें, हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं करीम? पहले कुछ और कह रहे थे और अब अचानक राजी हो गए भाई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रहम ना करो मुमताज, इस वक्त इनके ऊपर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। यार मेरी बच्ची से कह। हाँ, हाँ, आप आगे। करीम बाबा आप मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज। तुम जाओ नायक के पास, मैं इनके साथ जाऊँ। आप ही आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? अगर बाबा को ले जाना होता तो पहले ही आपको ले जाते। मुझे आपके पास क्यों रोकते ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूं? नहीं, कुछ नहीं होगा। कम से कम हॉस्पिटल जाने से ये तो पता चलेगा कि नायक की तबीयत कैसी है। आप ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत करें, मैं वैसे ही डरी हूँ, परेशान हूँ। पता नहीं बाबा और अम्मी किस हालत में होंगे, और अब ऊपर से आप भी ये सब कर रहे हो। अच्छा सुने तो सही, क्या कर रही हैं आप, कहाँ जा रही हैं? क्या सुनो, क्या सुनो तुम्हारी? अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा सकती, तुम तो जा सकती हो। ना जाओ, तुम जाके मुझे बताना ना है कि तबीयत कैसी है। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने। आप बात को समझ नहीं रही। अगर मैं चली भी गई तो पीछे से आपके ससुराल वाले आ गए तो? उनको आप जानती नहीं किस मिजाज के लोग हैं? क्या मुसीबत है? क्यों नहीं है कोई हमारी तकलीफ समझने वाला? टूटे सहारे के सारे। पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है, उन्हें थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप फिर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक।